अभियान या ये बातें या ये ज्ञान सतत निरंतर चलता रहे, इसके लिए आपकी मेरी एक छोटी सी कोई एक एडजस्टमेंट हो जाए तो बहुत अच्छा। मैं ये चाहता हूँ कि जो कुछ मैंने सीखा वो आप सीख लो। वंदे मातरम गोविंदिया। एक अनुभव मैं आपको और साझा करना चाह रहा हूँ। बहना को ही कुछ दिन पहले एक बार ठंड के मौसम, ठंड का जब प्रकोप बढ़ा था घर गांव में, तो उन्हें ठंड लग गई थी पूरी और बहुत ज़्यादा ठंड लग रहा था। और हमेशा दिन में भी रात में तो स्वाभाविक है, दिन में भी वो कंबल ओढ़ के सोई रहती थी। पूछने पे बोलती थी कि पूरी तरह से हमें ठंड लग गया है, हमें बहुत ठंड लग रहा है। काफ़ी ज़्यादा कंबल रजाई ओढ़ाने के बाद भी उसके ठंड नहीं जा रही थी। तो आपसे मैंने बात किया तो आपने कहा कि लहसुन का काढ़ा पिलाओ। तो मैंने क्या किया कि 3-4 लहसुन एक गिलास पानी में उबाल के गुड़ डाल के बढ़िया से गर्मा गर्म काढ़ा बना के उन्हें मैं दिन में 2 बार पिला रहा था। 4-5 दिन पिया, मतलब कि 2-3 दिन में पूरी तरह से लगभग आराम हो गया था। और इसको कुल 4-5 दिन कराया था, 5-6 दिन, तो पूरी तरह से बहना ठीक हो गई थी, उसको ठंड लगना बंद हो गया था और बहुत चमत्कारी हमें लाभ देखने को मिला केवल लहसुन से। तो अगर यदि किसी को दिक्कत हो, ऐसी समस्याएं, ठंड लग रहा हो ठंड में ज़्यादा, तो लहसुन का सेवन ज़रूर करना चाहिए, इस तरह से आवश्यकता अनुसार लहसुन ले करके, तो बहुत अच्छा लाभ मिलता है। तो समय के अभाव में मैं देख नहीं पा रहा था, थोड़ा सा भूल जा रहा था, तो मैं अभी समय निकाल के आपको अनुभव भेज रहा हूँ भैया, और इस अनुभव को अधिक से अधिक लोग लाभ उठाए इसलिए मैं ठीक से बताने का प्रयास कर रहा हूँ। और थोड़ा सा शरीर की मालिश भी करवाया था, सरसों के तेल में लहसुन, थोड़ा अजवाइन, थोड़ा मेथी, इसको पका करके इसको मालिश भी करवाया था हाथ पैरों की, शरीर की बढ़िया से। तो 5-6 दिन में बहना पूरी तरह से ठीक हो गई थी, ठंड लगना बंद हो गया था। वंदे मातरम भैया, आपका आशीर्वाद बना रहे ताकि हमारे जीवन में ज्ञान बढ़ता रहे और लोगों को आपके ज्ञान को मैं बांटता रहूँ। वंदे मातरम।